नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर जालंधर रोड पर गांव नसरारा के पास पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से दो लुटेरे हुए घायल। लुधियाना में एक पुलिस कर्मचारी पर उसी के गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से किया हमला, दूसरे पक्ष ने जातिगत गालियां निकालने का लगाया आरोप। अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर जालंधर रोड पर नसराला के पास पुलिस और लुटेरों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें दो लुटेरों के पैरों में गोली लगी, तो वहीं घायलों को पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपियों ने सबसे पहले एक बाइक लूटी थी। गत दिनों होशियारपुर में फगवाड़ा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, बाद में एक और पेट्रोल पंप पर लूट की। वहीं आरोपियों की पहचान मोहन कुमार निवासी गुरु रामदास कॉलोनी जालंधर और आकाश निवासी पात्रा कॉलोनी मकसूदा जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लुटेरों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मचारी पर उसी के गांव कटियाना कला राहू रोड के कुछ लोगों ने रात 9:30 बजे तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गांव के कुछ लोग उसके घर में घुसे हैं। हमलावरों ने हाथों में डंडे व अन्य सामान पकड़ा हुआ है। वीडियो में कुछ लोग पुलिसकर्मी पर ईंटें बरसाते हुए भी दिखे, तो वहीं घायल पुलिस कर्मचारी की पहचान बेअंत सिंह के रूप में हुई है। बेअंत सिंह पहले CIA 2 में बतौर हवलदार तैनात था। घायल बेअंत सिंह को उसके साथी सिविल अस्पताल लेकर आए, उसके काफी चोटें लगी हैं। वहीं जिन लोगों के साथ बेअंत सिंह का झगड़ा हुआ है, उनका कहना है कि बेअंत सिंह ने उनकी बाजीगर बिरादरी के बारे में अपशब्द बोलकर गाली गलौज की है। उन्होंने जब उसे रोका तो पहले उसने तेज धार हथियार से हमला किया, तो वहीं जानकारी देते हुए बेअंत सिंह के भाई बलवंत सिंह ने कहा कि बेअंत सिंह अक्सर घर और गांव में गाली गलौज करता है। उनके पड़ोस में बाजीगर भाईचारा के लोग रहते हैं। रोजाना बेअंत सिंह शराब पीकर बाजीगर भाईचारे को गालियां देता है। बलवंत सिंह ने बताया कि गांव के लोगों ने गालियां देते समय उसे रोक लिया, उससे वे बातचीत कर रहे थे, तभी बेअंत सिंह ने तलवार से गांव के कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बलवंत के मुताबिक उसके भाई को किसी तरह की चोट नहीं लगी, वह जानबूझकर चोट लगने का बहाना बना रहा है। बलवंत ने कहा कि उसका भाई पुलिसकर्मी होने के कारण गांव में रोब दिखाता है, आए दिन किसी न किसी से उसका विवाद रहता है, घर पर भी आए दिन किसी न किसी बात का बहाना बनाकर वह लड़ाई झगड़ा करता है। वे उन्होंने कहा कि उसके भाई पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, फिलहाल अभी वह पुलिस लाइन में तैनात है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच कर उसके भाई बेअंत सिंह पर पुलिस बनती कार्रवाई करे। घायल बेअंत सिंह ने कहा कि उसके घर में घुसकर कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला किया है, उसके पास CCTV भी है। हमलावरों में उसका भाई बलवंत, मां और भाभी भी शामिल है। उसे बेवजह टारगेट कर हमलावर किसी न किसी मामले में उलझाना चाहते हैं। इस मामले में संबंधित थाना मेहरबान की पुलिस को वह शिकायत देगा। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आके 10-12 बंदियां ने मेरी माता, मेरा भरा सका ते मेरी भरजाई दे कहण ते उहदी हल्लाशेरी ते मेरी कुटमार हुई तेज धार हथियारां नाल जी। अच्छा। ते उस तो बाद मेरे को मेरे कैमरे लगे है जी, ते मेरे को वीडियो फुटेज हैगी है। अच्छा जी, की मामला की सी? 10 बंदे आखिर तुहाडे घरे आके कीता हमला, कारण की रहा? इह मेरे जी भरा ने ते मेरी भरजाई ने कराया जी मेरे ते हमला। अच्छा जी। हाँ जी। भाई अपने सहुरे दे घरे गया झांडा लैके, भी भाई ओनू बुलाया नहीं। ठीक है सर, ओनू बुलाया नहीं। वह बुला ना बुला दे गुस्सा हो गया भी मैनू बुलाया नहीं, मेरे भाई ने बुला लिया। इस गल हूँ बाजी करो उन्होंने कहा ना भाई ए ना कह उन्होंने कुड़ी ना ब्याह कराया हुआ है साढ़े पिंड मुंडा ब्याह हो भाई ब्याह हो कितने की घटना है? ये कटियाणा कलां की जी। कटियाणी कलां की? कटियाणा कलां की। ठीक है सर, वह कुड़ी अपने मापे के घर झंडा लैके गई आ, उन्होंने ए हो गया
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਬਲ ਸੰਧੂ ਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਬਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਵੇ ਉਨਕਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਸਭੀ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਔਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕਾਮ ਲੇਕਰ ਆਏਂਗੇ ਵੇ ਉਨ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕਰ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਰੂਬਲ ਸੰਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2010 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਸ ਕੰਮ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਯੂਥ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 9988980092। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਥ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਲਾਜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕੇ ਛਠੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ, ਆਯੋਜਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੀਤਾ ਮਦਾਨ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਦਾਨ, ਰਾਧਾ ਮਦਾਨ, ਮਹੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਪਵਨ ਸੇਤੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਖੰਨਾ, ਅਨੀਤਾ ਖੰਨਾ, ਕੇਵਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਮਧੂ ਸਹਿਗਲ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰ ਕਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨੋ ਸੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਬੰਧੁਤਵ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਓ ਮੇਂ ਰੁਚੀ ਰੱਖਨੇ ਸੇ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋ 5 ਲੱਖ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ। ਕਥਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਮੋਹਕ ਭਜਨੋ ਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗੋ ਕੀ ਕਥਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੰਸ ਵਧ ਏਵਮ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਗੋਪੀ ਲੀਲਾ, ਉਦਧਵ ਸੰਵਾਦ ਏਵਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੁਕਮਿਨੀ ਵਿਵਾਹ ਕਾ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਯੋਜਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ, ਮਹੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ, ਰਾਹੁਲ ਬਹਾਰੀ, ਅਰੁਣ ਆਨੰਦ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਖੀਜਾ, ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਗੀਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਬਿੱਟੂ ਬਜਾਜ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਧਾ ਮਦਾਨ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਊਰਜਾ ਮਦਾਨ, ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਰੋੜਾ, ਬੌਬੀ ਮਖੀਜਾ, ਦੀਪਿਕਾ, ਸੋਨੂ ਬਜਾਜ, ਮਨੀਸ਼ ਬਜਾਜ, ਗੌਰਵ, ਮਮਤਾ ਮਖੀਜਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਣਮਾਨਿਓ ਕੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। ये सारी कथाएं हमने कल सुनी, कृष्ण जन्म के दर्शन किए। अब यहां पर नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया,
उत्सव तो अब देखिए सभी मनाते हैं। आपके हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए तो हम भी उत्सव मनाएंगे। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं, पर उत्सव सब मनाते हैं। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? तो कहते हैं कि नंद बाबा ने सिर्फ उत्सव नहीं मनाया था, उन्होंने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस समय दूध दही माखन का ही काम चलता था, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गैया वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। जिसको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिए, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया, सबको खुश किया। और पहले धनवान व्यक्ति यही करते थे, उनके घर में कोई खुशखबरी आ जाए तो वो ऐसा कुछ करते जो हर किसी के लिए अच्छा हो जाता। तो चाहे फिर प्याऊ लगवाते, अस्पताल बनवाते, विद्यालय बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, ताकि उनके घर की खुशखबरी सबके घर की खुशखबरी हो जाए। नंद बाबा ने भी यही किया। अब यहां पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए तो बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नींद से जागते हैं सेवक, तो कन्या के रोने की आवाज आती है। तो कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जैसे हर बच्चे को मारा, उस कन्या को भी मारने के लिए जाते हैं, गोद में उठाते हैं, मारने ही लग रहे हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। वो कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये कहकर वो कन्या अदृश्य हो गई। अब यहां पर भगवान थोड़े बड़े, बड़े क्या, बहुत छोटे हैं अभी तो, लेकिन थोड़ी सी कुछ महीने हुए हैं भगवान को आए। अब भगवान अभी इतने छोटे हैं कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलता। एक बार नंद बाबा कमरे के सामने से जा रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए, तो भगवान ने करवट नंद बाबा ने देख लिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा। अब लोग जन्म के उत्सव से घर पहुंचे ही हैं कि दूसरे उत्सव का निमंत्रण चला गया, और अब बाकी लोग कहे कि भाई किस बात का उत्सव, अभी तो जन्म का उत्सव मना था, अभी इतनी जल्दी क्या उत्सव। नंद बाबा कहे अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। देखिए माँ बाप थोड़े दीवाने होते, उनको तो बच्चा बॉटल यहां से यहां रख दे तो ही ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो माँ बाप है भाई, उनका प्रेम अलग है। पर यहां तो ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं कि नंद बाबा उनको जाकर कह रहे कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली तो उनका जवाब है कि ये कोई उत्सव मनाने की बात है। वो भी नाच रहे, वो उनसे ज्यादा प्रसन्न। वो कहे नंद बाबा से आप अपनी तैयारियां करिए, हम यहां दूसरों को निमंत्रण देकर आते। वो हर घर जा रहे, जोर जोर से खटखटा रहे, जल्दी चलो नंद बाबा के घर उत्सव है। क्या हुआ? अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। सब बड़े प्रसन्न है, पूरा ब्रज आया है, नृत्य कर रहे हैं।
क्योंकि सभी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे भी कृष्ण अवतार भगवान का सबसे सुंदर अवतार है, तो सब बड़े प्रसन्न हैं। किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ नंद बाबा के घर लाला हुआ है, उनके लिए ऐसा था हमारे घर भी लाला हुआ है। और कृष्ण का तो देखिए अर्थ ही यही है। जब अभी आगे ही हम प्रसंग सुनेंगे, तो कृष्ण का जब भगवान का नाम रखा गया था तो कहते भगवान के लिए कहा गया था कि बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये काम टेढ़े करेगा। तो नाम भी ऐसा रखते जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी, जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। हाँ सही उच्चारण करेंगे तो जीभ। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, और कृष्ण का दूसरा अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसीलिए भगवान के सभी अवतारों में सबसे प्रेम भरा, जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने प्रेम किया वो कौन सा अवतार हुआ? कृष्ण अवतार। सबसे ज्यादा प्रेम इसी अवतार से है। हर कोई अपना अपना रिश्ता मानता है कृष्ण को लेकर, सिर्फ भगवान नहीं माना है सबने, गोपियों ने प्रेमी माना, किसी ने भाई माना, किसी ने दोस्त माना, किसी ने बेटा माना, सबने अपने अपने रिश्ते चुने हैं। तो कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार हुआ जिसको सिर्फ भगवान, वो सबका मानो अपने परिवार का, लड्डू गोपाल सब अपने घरों में रखते, बच्चे की तरह रखते, बच्चे की तरह सुला रहे, बच्चे की तरह खिला रहे, कोई अपना गुरु मानता है। तो कृष्ण को लेकर सबके अपने अपने रिश्ते। आप क्या मानते हो भाई, सखा, दोस्त, गुरु, बेटा, पिता, वाह भाई। आइए तो हम भी प्रसन्न है भाई, हमारा भी रिश्ता है भगवान से, हम भी कुछ ना कुछ मानते हैं कृष्ण को। तो सिर्फ ब्रजवासी पागल नहीं है, हम भी उतने ही पागल हैं। तो आप सब कुछ ना कुछ मानते हैं, सब कुछ मिलाकर कहते हैं क्या? काली कमली वाला मेरा यार, अरे काली कमली, मेरे तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है तू मेरा, ओए 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 काली, मेरे तो जो जो मानते हैं भगवान को अपना यार उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है।
श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में 10वीं प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा स्थित एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के निवास स्थान में जाकर सम्पन्न हुई, जहां पर प्रधान मदन लाल खिंदर, तिलक राज खिंदर, अनुराग खिंदर, विशाल खिंदर, किरण खिंदर, रजनीश खिंदर, राजीव खिंदर, विकास खिंदर, आशुतोष खिंदर, योगेश खिंदर, राहुल खिंदर और रतन ब्रदर्स ग्रुप की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं प्रभात फेरी में शामिल सभी भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश शंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लकी घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी कमल डालिया, लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਚੱਲ ਕੇ ਰਤਨਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਨਿਸੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜੈਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਛੱਬੀ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ, ਜੈਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹ, ਅੱਛਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ
ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार अजय लाली अलंग के निवास स्थान पर विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता कथावाचक जिया किशोरी विशेष रूप से पहुंची। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर ने विशेष तौर पर पहुंचकर कथावाचक जिया किशोरी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एसपी ज्वेलर के मालिक रमन जैन, गायक अशोक शर्मा, कुमार आशु शर्मा, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, रमन शर्मा, अजय लाली अलंग, आंचल अलंग, अर्शिया अलंग, आयुष अलंग, मीनाक्षी अलंग, अभिषेक अलंग, अरुण अलंग, आर्यन अलंग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारी लाल शर्मा और नीलम शर्मा तथा सुनील शर्मा और मेघा शर्मा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य पंडित सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल, सुरेंद्र सिंह गुलशन और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी यज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आचार्य सुशील जी ने बहुत ही सहज भाव से चारों वेदों के मंत्रों द्वारा आज इस यज्ञ को संपन्न कराया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सरदार सुरेंद्र सिंह जी गुलशन जी ने अपने भजनों से समा बांधा।
सोनू भारती जी ने मंगल गायन किया और हम सभी ने इस यज्ञ के भागीदार बने। मैं विशेष अभिवादन करूंगा, आज हमारे बीच में श्री के गुप्ता जी आए हैं जो जो कि सनातन धर्म मंदिर कमेटी के सचिव भी हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं पहली बार। मैं इनका बहुत ही सारे समाज के मंच की तरफ से स्वागत करता हूँ। और भी कई कुछ नए चेहरे आज हमारे सारे समाज में आए हैं इस आज के यज्ञ के लिए। आज का जो मुख्य यजमान गुरु हमारे भाई हजारीलाल शर्मा जी, ये पूरा परिवार, इनके सुपुत्र मनीष जी, प्रतिभा शर्मा जी, उनके पुत्र कनव शर्मा और मंगी शर्मा का पोत्री है, और विदेश में बैठे हुए इनके सुपुत्र सुनील शर्मा, मेघा शर्मा। क्योंकि देखो हमारी संस्कृति की, अभी चारा जी अपनी संस्कृति की बात करते थे, उसी की तरह को आकर लेके जाते हुए हमारे हजारीलाल सिंह शर्मा जी ने अपनी संस्कृति को अपनाते हुए पूर्ण वैदिक रीति से यज्ञ पर बैठ करके अपने विदेश में बैठे पुत्र वधु और पुत्र का आज उन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ बनाई है। जालंधर देहात पुलिस की ओर से चाइना डोर संबंधी संयुक्त ऑपरेशन चलाकर थाना भोगपुर और थाना आदमपुर के क्षेत्र की चेकिंग की गई। पीपीएस मुखविंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में जालंधर देहात की ओर से सिविल प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर ये सांझा ऑपरेशन चलाकर थाना भोगपुर और आदमपुर के क्षेत्र में चाइना डोर की बिक्री के संबंध में संभावित ठिकानों पर रेड की गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आम जनता को चाइना डोर के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया गया है और अपील की गई है कि चाइना डोर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बेशकीमती जाने जा रही हैं और बेजुबान पक्षियों की भी मौतें हो रही हैं, जिसके चलते दुकानदारों और आम लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि बच्चों को चाइना डोर से पतंग ना उड़ाने दिया जाए। अगर कोई चाइना डोर की बिक्री करता या उसका इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर्च अभियान शुरू किए हुए हैं, असीं पब्लिक नूं भी असीं अवेयर कर रहे हैं भी इस चीज का कोई फायदा नहीं, मामूली जे शौक नाल ते लोकां दीआं कीमती जानां जा रही हैं। इसे करके भी दुकाना वाले सख्ती ने कहा वा भी थोड़े जे फायदे वास्ते किसी दीआं जानां दा मुल ना लो। तलाशी दर नहीं, सानू हाले कोई सर्च दौरान कुछ मिला नहीं, हाले फिर भी साड़ी सर्च जारी है। चार सीआई वैसे मेरे नाल ने, जैसी बकायदा पूरी डंगाई ना दुकाना की सर्च कर रहे हैं, जे कोई साढ़े हाथ कोई चीज लगी तो वो कानूनी कार्रवाई करांगे। बिल्कुल ये लगातार साड़ी डेली प्रोसैस चल रहा वा, डेली सर्चा हो रही जी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह की ओर से जालंधर शहर में 3,75,00,000 रुपयों के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में शहरी क्षेत्र की व्यापक योजना बंदी के तहत नुहार बदली जाएगी, जिसके चलते सड़क, पार्क, सीवरेज, पीने वाले पानी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को स्थानीय सरकारी विभागों की ओर से मंजूरी दे दी गई है। वहीं सांसद सुशील कुमार रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल के साथ जालंधर शहर में लगभग 3,75,00,000 रुपयों की अलग अलग विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। इस मौके पर चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाड़ा, कैबिनेट मंत्री की पत्नी हरप्रीत कौर, ओलंपियन सुरेंद्र सिंह सोडी, निगम कमिश्नर गौतम जैन, अतिरिक्त कमिश्नर अमरजीत सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज बहुत ही आने वाला साढ़े वास्ते पवित्र दहाड़ा, श्री गुरु रविदास महाराज का प्रकाश उत्सव दे विच सानू बहुत ही खुशी और सारी संगत को मुबारकबाद भी है। और अज असी जिहड़ा डॉक्टर बाबा साहब अंबेदकर जी पार्क का एक इनॉगरेशन कर रहे हैं, कोई वो पार्क पाना ही ये बनी हुई सी, इस दे विच सड़क वगैरह टुट गई सी, प्लांटेशन ठीक नहीं सी, और इनू बहुत ही वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा दोबारा इनू बना रहे हैं। और उस दे विच 1,14,00,000 असी 14,00,000 रुपया सैंक्शन किया, इसका टेंडर हो गया और थोड़े दिनों 2-4 दिन के काम शुरू होगा। इस दे नाल नाल असी करीब न्यू ग्रीन पार्क के 2.5 करोड़ के लागत के नाल सड़क, पानी का काम, ट्यूबवैल वगैरह सारा उदा नैगोशिएशन करके है, करीब 3.5-4 करोड़ रुपए जो काम शुरुआत की है। और आने वाले समय के दौरान असी जिहड़ा शहर के जिहड़ा
पूरा जिहड़ा रोड्स वगैरह का ट्यूबवैल्स का बहुत वड्डे उद्घाटन कर जा रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा शहर की डिवेलपमेंट वास्ते जिहड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है पूरे जंदर दे विच ही नहीं पूरे पंजाब के अंदर शहर के जिहड़ा नवे शुरुआत कर जा रहे हैं। हुण तक किन्ने करोड़ का किराया है जलंधर दे विच किहड़े दो जगह पार्किंग दा किन्ने करोड़ दा किराया तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए दे कीमत दे नाल की होर नवे तुहाडे वल लोकल बड़ी मंदे जलंधर बहुत सारा रोड्स वगैरह प्लांटेशन पार्किंग वगैरह हर चीज़ लाइटिंग वास्ते असी जिहड़ा नवे नवे इनॉग्रेशन कर रहे हैं सारे टेंडर्स होए आ काम शुरुआत कर जा रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर जालंधर रोड पर गांव नसरारा के पास पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से दो लुटेरे हुए घायल। लुधियाना में एक पुलिस कर्मचारी पर उसी के गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से किया हमला, दूसरे पक्ष ने जातिगत गालियां निकालने का लगाया आरोप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।